इन्फिनिक्स हॉट 35G वर्सेस वीवो वाई 27। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फ़ोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारी फोटोज़ और वीडियोज़ मैंने क्लिक की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बेट। सो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo Y27 और Infinix Hot 35G। तो गाइस बात करते हैं पे Vivo Y27 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं पे Infinix Hot 35G की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे सेम 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है प्लस एक AI सेंसर देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं पे दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Vivo Y27 के अंदर एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं पे Infinix Hot 35G की, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज और वीडियोस क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। Infinix Hot 35G और इसी Vivo Y27 के फ्रंट कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक किए, यानी कि Infinix Hot 35G के अंदर आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर पाओगे जबकि Vivo के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स इन दोनों से किसी एक स्मार्टफोन से ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आपको इन दोनों से किसके कैमरा को भी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
तो दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे हो, मैंने इसी Vivo Y27 और इसी Infinix Hot 30 5G के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली Infinix Hot 30 5G का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। यू नो ऑल ओवर देखा जाए तो Infinix Hot 30 के अंदर जो डायनामिक रेंज वगैरह है वो भी डेफिनेटली बहुत ही सही है और पोर्ट्रेट वीडियो भी आप शूट कर पाओगे। जैसे कि आजकल ट्रेंड है कि रील्स वगैरह आप बनाते हो तो उसके अंदर पोर्ट्रेट वीडियो का आपको जरूर पड़ता है, तो वो सारे नीड्स आपकी कैमरे के जो भी फीचर्स है वो आपको Infinix Hot 30 5G के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आपको भी इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है स्पेशली कैमरे के लिए, तो यू शुड बाय Infinix Hot 30 5G। तो MPKs के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।